Indian hockey captain Harmanpreet Singh emphasizes the significance of the upcoming series against Australia in preparing for the Paris Olympics. In a special chat with NNI Sports, he highlights the team's progress and adaptation under coach Craig Fulton, evident in their performance during the Pro League games. Before Olympic, ye matches milne bahut important the and five matches hai Australia team ke saath aur yahi focus hai ki jitne bhi matches mil rahe hain hum Olympic se pehle usme hum kya improvement kar sakte hain aur kya cheez try kar sakte hain and ye definitely hame bahut zyada help karenge kyunki iske baad jo hamare pro league ke matches bhi hain to for the Olympic jitne bhi matches mil rahe hain yahi hai ki मेजर टूर्नामेंट से पहले हम अपना टीम सेट कर रहे हैं एंड जो हमारा स्ट्रक्चर है जो हम प्लानिंग कर रहे हैं उसको वहाँ पे अप्लाई करें ट्राई करें उस चीज़ को लेकर जो आगे जाके हमें हेल्प करेगी। मैंने बोला था कि दो फेज थे हमारे जो पहले हमने भुवनेश्वर में खेले देन राउरकेला में एंड दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है एंड टीम की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ जो हम पहला मैच खेले थे तो पहले हम डाउन थे देन कम बैक किया देन फिर से दो स्कोर ज़्यादा कर गए हो बट उसके बाद जो आई थिंक सभी टीमों के साथ हमने मैच खेले थे पहले और जो सेकंड मैच हम वहाँ पे राउरकेला में खेले थे वो टोटली डिफरेंट थे और टीम ने एक अच्छा कॉम्पिटिशन दिया हर एक टीम को एंड बहुत सारे चांसेस हमने क्रिएट किए हैं गोल स्कोर किए हैं तो उस चीज़ को देखते हुए कि टीम का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था और एंड या इतनी अच्छी टीमों के साथ आप इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो बिल्कुल सर टीम ने बहुत अच्छा खेला था और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा उस मैचेस में। Harmanpreet is effusive in his praise for coach Craig Fulton. He says Fulton tries new tactics, incisive analysis to keep pushing the team ahead. बिल्कुल बहुत अच्छे कोच हैं स्मार्ट हैं एंड वो चीज़ें ट्राई करते रहते हैं सर और कुछ भी कुछ वेरिएशन लेके आए टीम में चाहे स्ट्रक्चर में एंड टीम ओपोनेंट्स को एनालाइज करते हैं जो बहुत अच्छे से करते हैं वो पूरा डिटेल में बात करते हैं हर बात को तो वो चीज़ टीम के लिए बहुत हेल्प करती है टीम को कि आपको हर एक डिटेल बताई जा रही है इंफॉर्मेशन दी जा रही है एंड जो मीटिंग्स होती हैं हमारी उसमें भी काफ़ी डिटेल में बातें होती हैं या उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक जो प्लेयर है अपना इजीली एंड कॉन्फिडेंस के साथ जो कोच इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबिलिटीज देता है हर एक प्लेयर को हर एक पोजीशन वाइज तो वो चीज़ कनेक्ट हो रही है अच्छे से और आई थिंक वही चीज़ें हम कोशिश कर रहे हैं कि डे बाई डे इम्प्रूव करें जो जो कोच हमें बता रहा है तो बिल्कुल बहुत अच्छा जा रहा है उनके साथ ये सफ़र जब से वो आए हैं और टीम की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो रही है तो एक पॉजिटिव साइन है सर। अलग सर सिचुएशन सेम रहती है और ओलंपिक का जो एक टेम्पो होता है हमेशा हाई होता है और जो टीम्स आती हैं वहाँ पे तो हमारा भी यही फोकस है मेरा भी यही फोकस है सर और कि अपना बेस्ट करें और ओलंपिक से पहले जो हमारी तैयारी है बहुत अच्छी चल रही है एंड जो मैचेस मिलेंगे जैसे मैंने पहले बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे लिए कि अपना जो आप ट्राई करना चाह रहे हो इंडिविजुअली एज ए टीम आपको वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि ओलंपिक से पहले आप उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो एंड एक्सपीरियंसली आप देखें तो सभी टीमें अच्छी हैं और आई थिंक कि ईजी मैच कोई भी नहीं आपको मिलेगा बिफोर द ओलंपिक एंड ड्यूरिंग द ओलंपिक तो वही एक माइंडसेट है कि अपना अपना बेस्ट करना है एंड टीम को साथ में लेके चलना है यस सर आई थिंक कुछ कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। नहीं सर एक्चुअली प्रेशर वाली नहीं बात कोई भी क्योंकि एंड ऑफ द डे जो आपको बताया गया है और अगर आप अच्छे से अप्लाई कर रहे हो तो आपका वो बेस्ट गेम होता है तो जो प्लानिंग जो स्ट्रेटजी है हमारी यही है कि जो फर्स्ट क्वार्टर के जो 3 to 4 minutes होते हैं एंड लास्ट के जो 3 or 4 minutes हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हर एक क्वार्टर में तो हमारा माइंडसेट भी यही है कि आप स्कोर कर रहे हो तो मेक श्योर आप उसके बाद
एज ए टीम डिफेंस आप कितना स्ट्रांग कर रहे हो कि एंड चाहे आप गोल कंसीड भी कर रहे हो तो जो नेक्स्ट 2 और 3 मिनट्स हैं वो आपके लिए, तो इसी के लाइक यही हमारा माइंडसेट है और यही हमें बताया गया है, तो वही उसी मैच बाय मैच को हम आई थिंक जो प्रिपेयर करेंगे ओलंपिक में, कि जो जो हमें बताया गया, जो हमने मीटिंग्स की है, जो हम एनालाइज कर रहे हैं ओपोनेंट्स को, उसी के अकॉर्डिंगली जो प्लान रहेगा उसको फॉलो करेंगे एंड अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे सर। As a captain, Harmanpreet gives top priority to team bonding, where everyone gets a chance to speak and be heard. काफ़ी अच्छा जा रहा है नो डाउट। उसमें जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करूं तो ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड टोटली डिफरेंट रोल हो रहते हैं, कि ऑन द फील्ड आपको आई थिंक टेक केयर करना है कि मेक श्योर सभी मतलब कंफर्ट हैं, सभी अपना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और इन केस कोई आपको लग रहा है कि उनका दिन है आज और वो अच्छा नहीं खेल पा रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको कॉन्फिडेंस दें और टीम के साथ रखें। एंड ये हमारी आई थिंक जो टीम बॉन्डिंग है, यही हमारा प्लस पॉइंट है कि हम एक दूसरे को बूस्ट करते हैं, पुश करते हैं, तो बिल्कुल। एंड सेम ऑफ द फील्ड है, आप कितना कनेक्ट हो रहे हो सभी के साथ एंड कितनी आप बातचीत कर रहे हो आप, सो या मेन मेनली यही रोल रहते हैं हमारे साथ। एंड कोच के साथ कम्युनिकेट करना कि अगर कुछ डिस्कस करना है एंड अगर कोई प्लेयर बात करना चाह रहा है तो डेफिनेटली ओपनली हम बात कर रहे हैं इधर, तो आई थिंक जिसका जो ओपिनियन है वो अपने अपना रख सकता है और उसको सुन रहे हैं सभी, चाहे कोच हैं चाहे टीम है, तो ओपनली डिस्कस होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमने यही देखना कि हम टीम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा माहौल है सर। प्रेशर नहीं होता है सर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलता हूँ जो डे वन से हम करते आ रहे हैं, तो वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और आपको अप्लाई करना है। अप्स एंड डाउन्स आएंगे नो डाउट, बट आपको मेंटली अपने कैसे रेडी रहना है उस चीज़ को लेकर, तो बिल्कुल मेरे माइंड में ये सब है। एंड आई थिंक जो साथ में मेरे भी हैं, जो और भी डायरेक्ट लेकर्स हैं हमारे, जो टीम सिलेक्शन होगा तो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हर एक टीम में 2 से 3 डायरेक्ट लेकर रहते हैं, तो वो भी बिल्कुल पूरी हेल्प करेंगे। एंड पेनल्टी कॉर्नर वेरिएशंस की बात करें, क्योंकि आजकल की हॉकी में जो डिफेंस है, पीसी डिफेंस बहुत स्ट्रांग हो रहा है, और जो रशर्स हैं जो गोल कर रहे हैं, सेम हम भी यही कोशिश करते हैं कि जो जिस टीम के साथ खेल रहा हूँ तो उनके जो रशर्स हैं, उनके जो गोल कीपर हैं, उनका क्या पैटर्न है, कैसे वो रनिंग कर रहे हैं, तो या सब एनालाइज कर रहे हैं, बट बिल्कुल हमारे साथ और भी डायरेक्ट लिखकर हैं जो बहुत अच्छा करते आ रहे हैं, तो आई थिंक जो मिक्स रहेगा, मिक्सअप रहेगा, हर एक को चांसेस मिल रहे हैं और हर दूसरे डायरेक्ट लिखकर भी स्कोर कर रहे हैं, तो वो एडवांटेज है टीम के लिए। मेमोरी सर हो तो सारी उम्र रहेंगी, बट जो बोलते हैं कि जो आप अचीव कर चुके हो अगर आप उसी में जी रहे हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जो क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन की लाइफ है, आप हमेशा नए टारगेट और अचीव करना चाहते हैं जब तक आप खेल रहे हैं, तो यही आई थिंक हर एक प्लेयर के माइंड में यही चीज़ है, कि चाहे वो उनकी फर्स्ट ओलंपिक है चाहे उनकी सेकंड ओलंपिक है, तो हर एक प्लेयर के ये माइंड में रहता है कि जब भी मेजर टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो बिल्कुल मेमोरी ताज़ा, एक अच्छी नई मेमोरी और बनाए हम और एक और मेडल लेके आए हम, तो जो लास्ट फेज था हमारा जो हमने बहुत अच्छा किया, इतने टाइम के बाद हमने जो मेडल जीता है वो बहुत एक प्राउड की मूवमेंट है हमारे लिए, बट उसके बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी बढ़ जाती हैं एंड जो एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की और टीम की वो भी बढ़ जाती हैं, तो यही माइंड में है कि जो हमने अचीव किया है और उसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसी के लिए हम इतना जो हार्ड वर्क कर रहे हैं सर, तो यस कोशिश यही रहेगी कि इस बार भी ओलंपिक में हम अच्छा करें। टू बी ऑनेस्ट हर एक एरिया में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना बेस्ट करें और हर एक चीज़ के लिए, हर एक सिचुएशन के लिए रेडी रहें, बट जो मेनली हमारा फोकस रहता है कि
ओपोनेंट्स की डी में और हमारी डी में हम कितना अच्छा कर रहे हैं, तो वो मेनली ज़्यादा फोकस है कि जब हम विद बॉल हम ओपोनेंट्स की 25 और डी में जा रहे हैं, तो वहाँ पे हम क्या अपना आउटकम लेके आ रहे हैं, और सेम अदर वे अगर देखा जाए तो डिफेंसिवली आप कितना स्ट्रांग है। तो मेनली जो हॉकी है 25 डी दोनों की है, तो बीच में आप मिस्टेक भी कर रहे हो, कवर अप भी हो रहा है, बट इन आर सर्कल एंड ओपोनेंट के सर्कल में आप कितना केयरफुल रहते हैं, कितना स्मार्ट रहते हैं, वो उसी चीज़ पे ज़्यादा अभी वर्क कर रहे हैं। एंड फील्ड गोल की बात करें, शूटिंग की बात करें, गोल स्कोरिंग की बात करें, और डिफेंसिवली वन ऑन वन टैकलिंग, और वो उसी चीज़ पे ज़्यादा वर्क हो रहा है सर।